जांजगीर चांपा जिले के डभरा थाना क्षेत्र के गांव कटौद में 2.5 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या का आरोप खुद के बड़े पापा के ऊपर लगा। घटना 3 तारीख रविवार सुबह 8 बजे की है। मृतक बच्चे की मां ने आरोप लगाया है कि सुबह के 8 बजे तकरीबन जब वह अपने 2.5 वर्षीय बच्चे को सुला रही थी, तभी अचानक आरोपी घर के अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर पैसे की मांग किया। इसे देख मृतक बच्चे की मां चिल्लाई तो आरोपी ने स्कार्फ से मुंह को बांध दिया। जब उसने मोबाइल फोन हाथ में लिया तो आरोपी ने उसके हाथ झटक उसे धक्का दिया तो महिला दीवार में टकराकर बेहोश हो गई। फिर आरोपी ने उसके हाथ बांध दिए और अलमारी में चाबी डाल खोलने लगा। इसी बीच बच्चा उठकर रोने लगा, तभी आरोपी ने बच्चे के मुंह पर तकिया रख चुप कराने लगा तो उसी वक्त बच्चे की मौत हो गई, जिसकी जांच के लिए जिला पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर के निर्देश पर डभरा पुलिस ने जांच किया तो इस पूरी घटना को सही पाया तथा आरोपी ने जुर्म भी कबूल लिया, जिस पर कार्रवाई कर हत्या के आरोप में उसे जेल भेज दिया गया। 3/5/2020 को ग्राम कटौत की महिला उत्तरा देवी चंद्रा, पति दिनेश कुमार चंद्रा, उम्र 28 वर्ष, थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 2.5 साल का बेटा घर में सुला रही थी। उस समय उसका जेठ मुकेश चंद्रा घर के अंदर घुसा और पैसे का मांग करने लगा, अलमारी का चाबी का मांग करने लगा। अलमारी का चाबी को दिखाई और उसका मुंह और हाथ को बांध कर उसके साथ चुमा झटकी हुआ था, जिसमें ज़ोर से चिल्लाने पर बच्चे उठ जाने से उसको तकिया से दबा देने का रिपोर्ट दर्ज किया था। इस अपराध रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान मामला गंभीर होने से, 2.5 साल के बच्चे की मौत हत्या का मामला होने से पुलिस अधीक्षक श्रीमान पारुल माथुर मैडम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह श्री संतोष महतो, पुलिस अनुभागीय अधिकारी चंद्रपुर BS कुटिया सर और थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार बंजारे के दिशा निर्देशन नेतृत्व में विवेचना टीम गठित करके विवेचना किया गया, जिसमें आरोपी मुकेश चंद्रा निवासी कटौत को पुलिस हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ करने के दौरान मुकेश चंद्रा के द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया, जुर्म 2.5 साल के बच्चे कुशाल चंद्रा का हत्या करना स्वीकार किया, जिसे आज दिनांक 4/5/2020 को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।